दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोग खुद का फ़ोटो से ऐसा करके स्टिकर बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कैरमिनाती का क्या फ़र्क पड़ता है यार, ऐसा करके जो स्टिकर है या फिर कौन है ये लोग, ये सब आपका फ़ोटो देखे फिर आप लोग पास में ले सकते हो। जो भी आप लोगों का मन चाहे और जो भी आप लोग फ़ोटो देना चाहे ऐसा करके फ़ोटो दे के आप लोग जो है स्टिकर बना सकते हो। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे आप लोगों को ये सब स्टिकर बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है स्टिकरली। वो सिंपली आप लोगों को प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुका हूँ। इस एप्लीकेशन का कुछ ऐसे करके दिखता है प्ले स्टोर में, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर सर्च करके आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं चला जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो हम लोग एप्लीकेशन ओपन कर चुके हैं, इसके अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो नॉर्मल है जो मतलब जो मूव नहीं होता है उसको, इसके लिए आप लोगों को रेगुलर में क्लिक करना पड़ेगा। रेगुलर में क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते हो मैं ये अक्षय कुमार वाला फ़ोटो लेता हूँ। आप लोग अपना खुद का फ़ोटो देना, उसके बाद देखिए इधर तीन जो है मैनुअल, क्रॉप और ऑटो का। सबसे अच्छा बेस्ट होता है ऑटो का ऑप्शन में क्लिक करने से। ऑटो में क्लिक करने से दोस्तों जो है एकदम ऑटोमेटिक बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाता है अच्छे से। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप लोग कुछ पार्ट फिर से ऐड करना चाहते हो तो एडजस्ट में क्लिक करके फिर आप लोगों को इधर माइनस में करने से इधर देखिए फिर से इधर हट जाएगा। मतलब जो आप लोग करना चाहेंगे इधर से मतलब हटाना चाहेंगे उसके लिए आप लोगों को माइनस में सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ हट गया है आप लोग उसको हटाना नहीं चाहते तो रीस्टोर में क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इमोजीज आप लोग चाहे तो इधर से इमोजी लगा सकते हैं, इधर इमोजी लगा सकते हैं कि ऐसा करके आप लोग कुछ भी इमोजी लगा सकते हैं। और इधर से टेक्स्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोगों का मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इधर लगाता हूँ सो सैड। फिर आप लोग इधर से टेक्स्ट का भी सेटिंग कर सकते हैं, नॉर्मल, फ्री हैंड, कॉइनी, ऐसा करके आप लोग टेक्स्ट का भी सेटिंग कर सकते हैं। इधर से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कलर भी चेंज करता हूँ। फिर आप लोगों को डन में क्लिक करके फिर आप लोगों को इधर से एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद इधर जो आप लोग टैग देना चाहते हो वो टैग देने के बाद फिर से सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद आप लोग न्यू पैक में जो जैसा करके ऐड करेंगे या फिर कोई भी आप लोग पहले से ऐड करा है, मेरा ये पहले से ऐड किया है इसीलिए मूड नाम का कुछ दिख रहा है, तो आप लोगों को न्यू पैक करके आप लोगों को कुछ लिख के जैसे कि मैं न्यू पैक करके जैसे कि दे रहा हूँ एक इस पर क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या है, द पैक एंड क्रिएटर मस्ट बी, थोड़ा बड़ा नाम देना पड़ेगा, एक के 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 ऐसा करके मैं दे रहा हूँ। देख सकते हो सेविंग हो रहा है मेरा जो है 50% हो गया। उसके बाद सेविंग होने के बाद जैसे करके ये आ गया इधर, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड टू व्हाट्सएप में क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे करके क्लिक करने के बाद थोड़ा सा डाउनलोडिंग का टाइम लेगा। डाउनलोडिंग होने के बाद जो आप लोगों का ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस का, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोग डेटा ऑफ करके करिए। डेटा ऑफ करके करने से जल्दी हो जाता है। फिर आप लोग देख सकते हो ऐड भी आया है, डेटा ऑफ करके करने से ऐड नहीं आता है दोस्तों। डेटा ऑफ करके आप लोग करिए तो अच्छा होगा। तो मेरा थोड़ा डेटा का ज़रूरत है इसीलिए मैं डेटा ऑन करके दिखा रहा हूँ। फिर देखिए दोनों ऑप्शन आता है, आप लोगों का जिसमें भी मर्जी हो आप लोग ऐड सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, आशा करते हैं वीडियो कम्प्लीटली आप लोगों को समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही कुछ कमल का और टिप्स देखने के लिए। सबसे पहले तो मिलते हैं अगले वीडियो में।